दोस्तों अगर आप एक सर्च कर रहे हैं प्रीमियम स्मार्ट वॉच जो आए आपके बजट के अंदर, तो आपको वीडियो दोस्तों हेल्प करने वाला है। आज मैं आपको दिखाएंगे नॉइस ब्रांड की नॉइस विथ ट्विस्ट गो यानी मॉडल की स्मार्ट वॉच जो है एलिट एडिशन, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आज मैं देखेंगे कैसी स्मार्ट वॉच है, क्या ये सच्ची में आपको प्रीमियम फील देती है या नहीं, क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। जल्दी से मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूं ताकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कैसी है ये स्मार्ट वॉच। बॉक्स के अंदर आपको ये सारी आइटम्स मिल जाती है। आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, एक आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है, कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं, यूजर मैनुअल मिल जाती है और आपको बुक माई शो का वाउचर मिल जाता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और ये है आपकी स्मार्ट वॉच। इन सबको साइड करते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं स्मार्ट वॉच को। तो स्मार्ट वॉच को मैंने सेटअप कर दिया है। आपको कुछ बात मैं पहले क्लियर कर दूं, जब भी आप स्मार्ट वॉच को ऑन करें तो आपको इसको फुल चार्ज करना है पहले 100% के लिए। उसके सेकंड स्टेप ये है कि आपको इस स्मार्ट वॉच को सेटअप करना ही पड़ेगा। बिना सेटअप किए आप इस स्मार्ट वॉच को यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको जो इसकी नॉइस फिट वाली ऐप है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन में। उसके बाद इस स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन के साथ आपको बाइंड करना पड़ेगा, तभी आप इस स्मार्ट वॉच को यूज़ कर पाएंगे। वो कैसे स्टेप होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर मैं इस वीडियो में करने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था ये बहुत ही प्रीमियम लुक देखती है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी बहुत ही क्लीन है, बहुत ही नाइस है और ब्राइटनेस में भी कोई कमी नहीं है। अभी के लिए मैंने इसकी ब्राइटनेस लो कर रखी है ताकि आप इसका डिस्प्ले देख पाएं। अगर मैं फुल ब्राइटनेस करूंगा तो अभी रिफ्लेक्शन पड़ेगी इसलिए आप देख नहीं पाएंगे, बट ब्राइटनेस के मामले में भी स्मार्ट वॉच बहुत ही अच्छी है। तो जैसे कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है एलिट एडिशन और यहाँ पे गोल्डन आपको स्ट्रैप मिलता है मैग्नेटिक वाला, तो सही में उसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉपर वर्क करता हुआ स्ट्रैप मैग्नेटिक गोल्डन वाला मिल जाता है। अगर इसके बटन की बात करें तो जैसे आप इसको एक बार प्रेस करते हैं तो इसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। वैसे अगर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, बाकी इसके बटन का कोई काम नहीं। और अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे जाके दिखाऊं, स्क्रॉल करो तो देखिए इसके बटन का और कोई वर्क नहीं है। वैसे अगर आप मेन स्क्रीन में अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जो भी नोटिफिकेशन आपने अलाउ करके उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे देखने को। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, मतलब मैसेज का, कॉलिंग का या व्हाट्सएप का या इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, जिसका भी आपने अलाउ कर रखा है, मगर आप नोटिफिकेशन को रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको ये वाले सेटिंग्स मिलेंगे जहाँ पे आप इसके DND फीचर को, ब्राइटनेस को, स्मार्ट लॉक को, मतलब इसमें पासवर्ड भी सेट कर सकें ताकि कोई और स्मार्ट वॉच को ऑन ना कर पाए, टॉर्च को और बाकी सेटिंग्स के फीचर को ऑन यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप राइट स्वाइप करेंगे तो आपको जो वॉक के स्टेप है, बाकी जो भी फीचर्स है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। और वैसे अगर लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको इसके अंदर जो भी फीचर्स आते हैं वो सारे दिख जाएंगे। जैसे नॉइस हेल्थ के अंदर जाएंगे तो आपको एक्टिविटी, हार्ट रेट, स्लीप, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, ये सारे फीचर मिल जाएंगे। वैसे दोबारा हूँ स्पोर्ट्स मोड में जाएंगे तो आपको वॉकिंग, रनिंग, ये सारे फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर स्क्रॉल डाउन करो तो आपको वेदर का ऑप्शन मिल जाता है। अब वेदर के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपका जो स्मार्ट वॉच है आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और आपके फ़ोन में वर्किंग इंटरनेट होना चाहिए, तभी आप इस फीचर को, वेदर वाले को यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर फिर से आऊँ और स्क्रॉल डाउन करूँ तो आपको मैसेज का मिल जाता है, जैसे जो मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन वाला सेंटर आपको मिल जाता है। और अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप इस स्मार्ट वॉच के थ्रू अपने कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए अगेन आपको एक्सेस अलाउ करना पड़ेगा अपने ऐप के थ्रू। प्लेयर से भी आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस वॉल्यूम वगैरह को, और ये सारे कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन इस फीचर के लिए भी आपकी जो स्मार्ट वॉच है आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए हमेशा। वैसे बैक आएँ और स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन, टाइमर, अलार्म, ये बाकी सारे भी फीचर मिल जाते हैं। स्टॉप वॉच वगैरह वाले, AI वॉइस वाले, QR कोड वाले, कैलकुलेटर वगैरह वाले, जैसे आपको मैं दिखाऊँ, ये सारे फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रॉल डाउन करें तो आपको गेम्स का भी फीचर यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे 3 गेम्स मिल जाते हैं। अगर आप खेलना चाहें तो गेम खेल सकते हैं। और फिर से अगर आपको लास्ट बार दिखाऊँ इधर ले जाके, तो लास्ट में आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का, जिसके अंदर आपको, जैसे मैंने बताया, आप इसमें वॉच फेसिस को चेंज कर सकते हैं। तो 4 जो है इनबिल्ट वॉच फेसेस आते हैं और 5वां आप अपना वॉच फेस खुद लगा सकते हैं, चाहे वो डाउनलोडेड वॉच फेस हो सकता है ऑनलाइन जो इनके ऐप के थ्रू अवेलेबल होता है, या आप कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हैं। तो टोटल 5 वॉच फेस मिलते हैं। वैसे वाइब्रेशन रिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ब्लूटूथ कॉलिंग के ऑप्शन को अनेबल कर रखा है तो जब भी आपके फ़ोन में कॉल आएगा तो ये वाइब्रेट करेगी। तो कैसे वाइब्रेट करे उसकी इंटेंसिटी मोड को सबको कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। वैसे अगर फिर से सेटिंग में चलते हैं नीचे वाले ऑप्शन से, तो जैसे आपको नहीं बताया आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। 3 लेवल में आपको कैमरे में दिखेगा नहीं, उसको भी कम ही रखते हैं। पासवर्ड जैसे मैं बताया तो आप स्मार्ट वॉच में पासवर्ड को ही सेट कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए 1 2 3, फिर से मैं कंफर्म करता हूँ 4 करके, 1 2 3 4, तो ये लॉक यहाँ पे स्विच ऑन हो गया है। तो जब भी आप स्मार्ट वॉच को ऑन करेंगे और अगर कोई भी फीचर में जाएंगे यूज़ करने के लिए तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, तो बिना पासवर्ड हटाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी के लिए मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ, और अगर आपको पासवर्ड को अगेन हटाना है तो इसको जाके ऑफ कर दें।
तो इसके लिए आपसे फिर से पासवर्ड पूछेगा, तो ये पासवर्ड ऑफ हो गया तो आपसे पासवर्ड वगैरह नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे फीचर मिल जाते हैं। अब कंक्लूजन की बात करें, अगर आप स्मार्ट वॉच को परचेज कर रहे हैं लुक के पॉइंट ऑफ व्यू से या बेसिक फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको दे एकदम प्रीमियम फील, जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, तो उस पॉइंट से तो आपको स्मार्ट वॉच को 100% परचेज करना चाहिए। गिफ्टिंग के पॉइंट से भी ये स्मार्ट वॉच बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि देख सकते हैं कितना प्रीमियम फील आपको लुक ये देती है। अगर आप स्मार्ट वॉच को ले रहे हैं हेल्थ मॉनिटरिंग के पॉइंट से या ट्रैकिंग के पॉइंट से, तो उस केस में आपको सजेस्ट करूंगा आप एक प्रॉपर वो स्मार्ट वॉच ले जो इसी फीचर्स के लिए बनी हो, और उसके लिए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अराउंड 4 to 5,000, क्योंकि जितने भी बजट स्मार्ट वॉचेस आते हैं उनके ये जो फीचर होते हैं प्रॉपरली वर्क नहीं करते, एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं देते हैं। दोस्तों अगर आपके में फिर भी कोई डाउट है स्मार्ट वॉच से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।